Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Khan Home Food। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज हम बनाएंगे केड़ी का खट्टा मीठा गुड़म्बा। स्पेशली नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सॉस पैन लेंगे और उसमें हाफ टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। ये होममेड देसी घी है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिएगा। अगर आप देसी घी लाइक नहीं करते तो आप बनस्पति भी ले सकते हैं। ये हाफ के जी कैरी है, इसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग किया है। अब हम घी में इसे ऐड करेंगे और एक मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्लेम लो रखेंगे, यानी कि बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे। कैरी को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1/4 चाय का चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे। कलौंजी बहुत थोड़ी ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे कैरी में। अब हम इसमें 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/2 कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे परफेक्ट रहेगी 1/2 कप चीनी हाफ के जी में। अगर आप कम मीठा लाइक करते हैं तो 1/3 कप डालिए। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पंद्रह मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और कैरी के गल जाने का वेट करेंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, कैरी भी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है हम इसे हाई फ्लेम पर खुश करेंगे। आप इसे फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक ही स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन पानी खुश होने लगा है, अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करके डिश आउट कर लेते हैं। और ये है जी फाइनल लुक, ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा केड़ी का गुड़म्बा बन के तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।